एवरीवन, अब हम पाइप अपर्टेनेंस के बारे में पढ़ेंगे। मतलब हमें एक सोर्स से दूसरी जगह पे पानी को जब सप्लाई करना होता है तो पाइपलाइंस के बारे में हमने पढ़ लिया था। पाइप्स हमारे कैसे होते हैं, पाइप्स को कनेक्ट करने के लिए हम बीच बीच में कौन कौन से टाइप के जॉइंट प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं पाइप्स को कनेक्ट करने के बीच बीच में हम वॉल्स प्रोवाइड कराते हैं, राइट। इन वॉल्स का काम होता है कि हमारे सप्लाई सिस्टम मेंटेन रहे। तो जैसे हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, सोर्स है। इस सोर्स से इस टैंक तक हमें पानी पहुंचाना है। यहाँ पे ये हमने पाइपलाइन सिस्टम डेवलप की है। इस पाइपलाइन में कहीं समिट आएगा, कहीं वेरी कर्व्स बनेंगे, राइट। तो यहाँ पे बीच बीच में हमें अलग अलग टाइप से वॉल्स प्रोवाइड कराने पड़ते हैं। वो उस सप्लाई को या उस डिस्चार्ज की रेट को क्या करें ताकि हम मेंटेन कर सकें या फिर उसे हम कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला हमारा होता है इस पॉइंट पे, जहाँ पे हमारा क्या बनता है, वैली बनता है। तो वैली पे क्या होता है कि पानी यहाँ से इस तरह मूव करेगा कि यहाँ पे एक डेड एंड फॉर्म होता है। इस डेड एंड के कारण यहाँ पे क्या होता है, सील्ड और सैंडी मटेरियल जो उस पानी में होंगे वो क्या हो गए, यहाँ पे स्टोर हो जाएंगे, राइट। अगर यहाँ पे ये स्टोर होगा तो पानी की सप्लाई को क्या करेंगे, ब्लॉक करेंगे। इसे रिमूव करने के लिए इस जगह पे हम एक वॉल सिस्टम प्रोवाइड कराते हैं। इस वॉल को हम क्या कहते हैं, ब्लो ऑफ और ड्रेन वॉल्स। क्या कहते हैं, ब्लो ऑफ और ड्रेन वॉल, ओके। इसे हम स्कोर वॉल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कोर वॉल्स। फिर पानी ऊपर जाएगा, जैसे जैसे पानी ऊपर की तरफ जाता है तो उसका प्रेशर क्या होता है, रिलीफ होता है। जब पानी में प्रेशर कम होता है तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि सप्लाई के डिस्चार्ज को मैनेज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे अगर एक ऐसा वॉल बनाए जिसपे हम डिस्चार्ज कितना प्रोवाइड कराना उसको कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर रहता है। तो हाई प्रेशर के कारण अगर हम एक वॉल डिस्चार्ज कंट्रोलिंग वॉल अगर यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं तो हमारा उसको वॉल के टूटने या डिटोरेट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो हम समिट पे कौन सा प्रोवाइड कराते हैं, स्लूस वॉल कहते हैं, जिसे हम गेट वॉल और शट ऑफ वॉल भी कहते हैं। इसके थ्रू हम क्या करते हैं कि पानी के डिस्चार्ज को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। कितना डिस्चार्ज हमें आगे प्रोसीड करवाना है, कितना नहीं करवाना है, उसे कंट्रोल करते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, स्लूस वॉल, स्लूस वॉल, ओके। और इसके आसपास हम दो एयर रिलीफ वॉल प्रोवाइड कराते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा वाटर लेवल बढ़ता जाता है, इसके साथ यहाँ पे वैक्यूम्स और एयर ब्लॉक क्रिएट हो सकते हैं, राइट। एयर ब्लॉक के कारण ये क्या होता है कि प्रेशर, इतना प्रेशर नहीं हो पाता है कि पानी यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर हो सके, राइट। तो यहाँ पे इस एयर ब्लॉकेट को हटाने के लिए यहाँ पे हम एयर रिलीफ वॉल भी प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा वॉल प्रोवाइड कराते हैं, एयर वॉल्स, एयर वॉल्स। फिर वापस यहाँ पे एक डेड एंड आया, तो डेड एंड पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, डेड एंड पे हम प्रोवाइड कराएंगे हमारा ब्लो ऑफ और ड्रेन वॉल्स, राइट। यहाँ पे हम ड्रेन वॉल प्रोवाइड करेंगे और यहाँ पे फिर से हाइट बढ़ेगी, तो यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड कराएंगे, एयर वॉल्स प्रोवाइड कराएंगे, राइट। एक होता है कि जब हमारा पानी ऊपर चढ़ रहा होता है, ये तो हुआ जब सोर्स से हम पानी इस तरह से टैंक में प्रोवाइड करा रहे हैं। एक हमारा पंपिंग सिस्टम होता है। पंपिंग इन सिस्टम मतलब यहाँ पे हमारा ये ग्राउंड सरफेस है, इस ग्राउंड सरफेस में यहाँ पे हम पंप के थ्रू पानी निकाल रहे होते हैं। तो पंप के थ्रू जब पानी निकाल रहे होते हैं तो बीच में जैसे ही हमारा पंप अचानक बंद हो जाता है तो पानी ऊपर तो फेंक दिया, तो वापस वो नीचे ना गिरे इसलिए यहाँ पे हम एक चेक वॉल प्रोवाइड कराते हैं। कौन सा प्रोवाइड कराते हैं, चेक वॉल, चेक वॉल। इसका फीचर ये होता है कि पानी को एक ही डायरेक्शन में मूव करने देता है। अगर पानी वापस अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह मूव करेगा तो वॉल क्या होगा, बंद हो जाएगा और पानी को ये नीचे की तरफ नहीं आने देगा। और इस तरह से हम यहाँ पे टैंक में पानी को सप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम चेक वॉल प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हम पढ़ते हैं हमारा फायर हाइड्रेंट, फायर हाइड्रेंट। जो हमारा मेन पाइप होता है, मेन पाइप होता है, उसी मेन पाइप के ऊपर यहाँ पे हम कहीं आग लग जाए तो वहाँ पे हाई इंटेंसिटी या फिर हाई डिस्चार्ज का पानी पहुंचाने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के वॉल्स बनाते हैं ताकि यहाँ पे हम पाइप, हमारा प्लास्टिक के पाइप को इसको कनेक्ट करके हम बिल्डिंग पे फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ कर सकें। इस तरह से लोकेलिटी में कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे इस तरह से यहाँ पे फायर हाइड्रेंट बने रहते हैं। तो फायर हाइड्रेंट हमारे दो तरह के होते हैं, एक होता है पोस्ट में या मतलब ओवरग्राउंड होता है, और एक होता है हमारा अंडरग्राउंड फायर हाइड्रेंट होता है, राइट। इनके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहला हमारा होता है स्लूज वॉल। इन टाइप के पाइप अपर्टेनेंस होते हैं, इनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी स्टडी कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहला हमारा होता है स्लूज वॉल, स्लूज वॉल।
स्लूज वॉल हम का काम क्या होता है, इसे हम क्या कहते हैं, गेट वॉल भी कहते हैं, गेट वॉल भी कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, शट ऑफ वॉल भी कहते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वॉट, शट ऑफ, शट ऑफ वॉल। ओके, शट ऑफ वॉल। इसका काम क्या होता है, पानी के डिस्चार्ज को रेगुलेट करना। टू रेगुलेट, रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू पाइप्स। ओके, पानी के डिस्चार्ज को रेगुलेट करना, ठीक है ना। ये जनरली प्रोवाइड कहाँ करते हैं हम, समिट पे। दीज आर यूजुअली प्रोवाइडेड एट समिट। ओके, समिट पे इसको प्रोवाइड कराते हैं। ये कैसा होता है, जैसे हम यहाँ पे हमारा ये पाइप सिस्टम जा रहा है समिट पे, तो यहाँ पे हम इसे प्रोवाइड कराएंगे। मतलब यहाँ पे हम इस तरह से, इसका अरेंजमेंट होता है, यहाँ पे हमारा एक वेज पोर्शन में इस तरह से, और यहाँ पे इसका हैंडल होता है, राइट। और इस पर हम इसे टाइटन करते हैं। तो जब भी हमें पानी को कंट्रोल करना है, डिस्चार्ज को कंट्रोल करना है, इस हैंडल को हम टाइट करते हैं। ये नीचे की तरफ आएगा तो यहाँ पे हमारा जो एरिया होता है पानी के फ्लो का, वो कम होगा। तो यहाँ पे हम इस डिस्चार्ज को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। इस तरह से हम स्लूज वॉल्व को प्रोवाइड कराते हैं। अगला होता है हमारा एयर वॉल्स। स्लूज वॉल के पास ही समीप पे हम क्या प्रोवाइड कराते हैं, एयर वॉल्स और एयर रिलीफ वॉल्स। सेकंड हमारा है एयर वॉल्स एंड एयर रिलीफ वॉल्स। एयर वॉल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा मतलब मेन पाइप में क्या हो रहा है, वाटर फ्लो हो रहा होता है, तो एक जगह पे क्या होता है, उससे निकलने वाली गैसेस के कारण एयर एक्यूमुलेट हो जाती है, जनरली कहाँ पे, समिट पे। तो उस एक्यूमुलेटेड एयर को वहाँ से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एयर वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं। यहाँ मेन पाइप पे, यहाँ पे हम एयर वॉल्व का सिस्टम लगाते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे एयर एक्यूमुलेट होगी, तो यहाँ से ये एग्जिट हो जाएगा, और ये पानी हमारा कंटिन्यूसली फ्लो कर जाएगा। यहाँ पे हम एयर वॉल्व प्रोवाइड करेंगे, राइट। इसे हम एयर रिलीफ वॉल्व भी कहते हैं। द एयर टेंड्स टू एक्यूमुलेट एट समिट ऑफ द पाइप, दीज आर प्रोवाइडेड टू रिमूव द एक्यूमुलेटेड एयर एट समिट ऑफ पाइप। अगर हम इसको रिमूव नहीं करते तो क्या होता है कि दिस एक्यूमुलेट एयर क्रिएट व्हाट, बैकवर्ड प्रेशर। मतलब अगर यहाँ पे ये एयर ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाती तो यहाँ पे ये बैकवर्ड प्रेशर क्रिएट करता है। इस बैकवर्ड प्रेशर के कारण यहाँ पे पानी फॉरवर्ड फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमें इसको निकालना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हम एयर रिलीफ वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड हमारा होता है चेक वॉल्व। और चेक वॉल्व हम कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, पंप में, ताकि हमारा फ्लो है वो एक डायरेक्शन में ही रहे। थर्ड है हमारा चेक वॉल्व, राइट। इसे हम रिफ्लक्स वॉल्व भी कहते हैं, रिफ्लक्स वॉल्व भी कहते हैं, और नॉन रिटर्निंग वॉल्व भी कहते हैं, नॉन रिटर्निंग वॉल्व, ठीक है ना। ये कहाँ प्रोवाइड कराते हैं, वेन दिस वॉल्व अलाउ वाटर टू फ्लो, वाटर टू फ्लो इन वन डायरेक्शन, वन डायरेक्शन। ओके, एक ही डायरेक्शन पानी के फ्लो को अलाउ करने के लिए हम इस टाइप के वॉल्व को प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना। दीज आर जनरली प्रोवाइडेड इन पम्प्स टू ड्रॉ वाटर, ठीक है। दीज वॉल्स आर प्रोवाइडेड
इन पाइपलाइन विच ड्रॉ वाटर फ्रॉम पंप, राइट, फ्रॉम पंप। ये किस तरह से होता है, जैसे हमारा यहाँ पे ये पाइप है, यहाँ पे ये हम वॉल प्रोवाइड कराते हैं। ये वॉल कुछ इस तरह से होता है, और यहाँ पे हमारा इस तरह से यहाँ पे हिंज पे इस तरह से लगा रहता है। ओके, इस तरह से ये वॉल होता है। अगर हमारा पानी का फ्लो इस डायरेक्शन में होता है, यहाँ पे हिंज होता है, हिंज से ये ऊपर की तरफ उठ जाएगा और पानी का इजीली मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन जब पानी का मूवमेंट अगर हमारा इस डायरेक्शन में होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में आता है, पानी का फ्लो अगर इस डायरेक्शन में होता है, तो जो हिंज है इसके ऊपर ये आके यहाँ पे ये लॉक हो जाएगा, राइट। अरे पानी के इस डायरेक्शन में मूवमेंट को क्या करता है, ब्लॉक करता है। इसलिए हम जनरली हमारा जो ये चेक वॉल होता है वो पानी के फ्लो को एक डायरेक्शन में ही मूव करवाता है। तो जहाँ पे नॉन रिटर्निंग वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पंप्स में हो गया, पंप तुरंत बंद हुआ, जितना पानी ऊपर फेंका तुरंत वापस नीचे ना आ जाए, उसके लिए हम यहाँ पे रिफ्लक्स वॉल और चेक वॉल को प्रोवाइड कराते हैं। ओके, फिर हमारा लास्ट होता है, नेक्स्ट होता है सेफ्टी वॉल। सेफ्टी वॉल का कंसेप्ट ये होता है कि जब हमारा वाटर हैमर होता है, मतलब सडनली कहीं पे पानी को तुरंत रोक दिया, तो उस वाटर में हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इस हाई प्रेशर को हम कहीं पे इजीली रिलीव करें, इसलिए हम यहाँ पे कौन सा प्रोवाइड कराते हैं, सेफ्टी और रिलीफ वॉल प्रोवाइड कराते हैं, रिलीफ और सेफ्टी वॉल। ओके, these are also known as, these are also known as pressure relief valve। जैसे हमारा यहाँ पे ये एक source है, इस source से एक destination point तक पानी पहुँचाने के लिए यहाँ पे हमने pipeline बनाई है, और यहाँ पे ये पानी हम यहाँ पे use कर दें। यहाँ पे हाई डिस्चार्ज क्यू डिस्चार्ज से पानी मूव कर रहा होता है, पर यहाँ पे रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाते, तो हम यहाँ पे सडनली इस पाइप को यहाँ पे क्या करते हैं, बंद कर देते हैं। जैसे ही बंद करेंगे तो यहाँ पे डिस्चार्ज का एक मोमेंटम तो होगा, ये मोमेंटम यहाँ पे सडनली रुक जाएगा, तो क्या होगा कि इसमें हाई एनर्जी डिस्टॉर्शन कैपेसिटी होती है। ये एनर्जी इतनी ज़्यादा रहती है कि पाइप को भी क्या कर सकती है, ब्लास्ट कर सकती है। इसलिए हम यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे क्या प्रोवाइड कराते हैं, रिलीफ वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं, रिलीफ वॉल प्रोवाइड कराते हैं। इसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग लगी होती है, राइट, इस स्प्रिंग की स्टिफनेस इतनी होती है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से ज़्यादा अगर पाइप वाटर में प्रेशर होता है तो यहाँ पे ये कंप्रेस हो जाएगी, स्प्रिंग कंप्रेस होगी और यहाँ से पानी प्रेशर का जो हाई प्रेशर पानी है वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा और वापस प्रेशर नॉर्मलाइज हो जाएगा, तो हमारा ये स्प्रिंग जो है वापस हो क्या हो जाएगी, एलोंगेट होगी, अपनी नॉर्मल पोजिशन में आ जाएगी और पानी की सप्लाई वापस कंटिन्यूस या नॉर्मल हो जाएगी। तो सडन जो प्रेशर इंक्रीज होता है उसे रिलीफ करने के लिए हम सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं। ओके, इसका जो डायग्राम बनता है कुछ इस तरह से बनता है, यहाँ पे ये हमारा मेन पाइप जा रहा है, तो यहाँ पे हमारा इस तरह से स्प्रिंग सिस्टम बनता है, यहाँ पे इस तरह से ये हुक होती है और यहाँ पे ये स्प्रिंग होती है। ओके, और यहाँ पे ये हैंडल है, तो जैसे ही प्रेशर इंक्रीज होगा तो ये स्प्रिंग कॉम्प्रेस होगी और यहाँ से ये हुक ऊपर की तरफ, ये वेज ऊपर की तरफ खिसक जाएगा और यहाँ से ये पानी बाहर निकल जाएगा। ओके, ये वॉल्व ओपन हो जाएगा। इस तरह से हम रिलीफ वॉल्व या सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड कराते हैं। फिर लास्ट हमारा होता है स्कोर वॉल्व। स्कोर वॉल्व को हमने देखा था, ड्रेन ऑफ वॉल्व होता है हमारा, जहाँ पे हमारी सिल्ट और सैंड इकट्ठी होती है उसको हम रिमूव करते हैं, इसे हम कहते हैं स्कोर वॉल्व और ड्रेन ऑफ वॉल्व। ओके, इसको हम वॉश आउट वॉल्व भी कहते हैं, वॉश आउट
वॉल्व भी कहते हैं, राइट। इसका पर्पस क्या होता है, तो रिमूव द accumulated sand and silt, okay। इसको रिमूव करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और ये जनरली कहाँ प्रोवाइड कराया जाता है, एट वैली और डेड एंट्री, ओके, वहाँ पे इसको हम प्रोवाइड कराते हैं। ये हमारे जनरली वॉल्स हो गए। उसके बाद हमारा होता है फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट जो होते हैं, दीज आर द आउटलेट, दीज आर द आउटलेट प्रोवाइडेड इन मेन वाटर मेन, ओके, प्रोवाइडेड इन वाटर मेन टू टैपिंग ऑफ वाटर इन केस ऑफ फायर, टू टैपिंग वाटर इन केस ऑफ फायर, ठीक है ना। जनरली हमारे दो तरह के होते हैं फायर हाइड्रेंट। फर्स्ट होता है पोस्ट हाइड्रेंट, मतलब पोस्ट की तरह, पिलर की तरह पोस्ट हाइड्रेंट। यह हमारा ओवरग्राउंड होता है, पोस्ट हाइड्रेंट। दूसरा होता है हमारा फ्लश हाइड्रेंट, दे आर प्रोजेक्टेड ओवरलोड, प्रोजेक्टेड ओवर रोड, और ये जो होते हैं वो बिलो रोड होते हैं, ओके। इनका डायग्राम कैसा होता है, यहाँ पे हमारा अंडरग्राउंड पाइपलाइन जारी होती है, इस पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पे हम इस तरह से टी जॉइंट प्रोवाइड कराएंगे, यहाँ पे हम इस तरह से टी जॉइंट प्रोवाइड कराएंगे, और इस टी जॉइंट पे हम यहाँ पे फायर हाइड्रेंट पुट करेंगे, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा क्या होता है, हैंडल होता है, और यहाँ से हम पानी रिमूव करते हैं। ये यहाँ पे ग्राउंड सरफेस के ऊपर रहता है, जिसे हम कहते हैं पोस्ट टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अंडरग्राउंड रोड के बीच नीचे, मतलब यहाँ पे एक चैम्बर बनाया जाता है। इस चैम्बर के अंदर यहाँ पे जैसे हमारी पाइपलाइन जारी होती है, राइट, इस पाइपलाइन के ऊपर यहाँ पे हम टी जॉइंट प्रोवाइड कराते हैं, और यहाँ पे हमने ये हाइड्रेंट पुट किया है, ओके। इस तरह से यहाँ पे आउटलेट होता है, और इसके ऊपर हम कास्ट आयरन की एक कवर प्लेट लगा देते हैं। जब भी पानी की रिक्वायरमेंट होती है, इस प्लेट को हटाते हैं, यहाँ पे पाइप कनेक्ट करते हैं, और पानी सप्लाई होता है। इसका हैंडल भी यहाँ पे अंदर की तरफ ही होता है, ओके। इस तरह से हमारा फायर हाइड्रेंट प्रोवाइड कराए जाते हैं। फिर अगला है हमारा वाटर मीटर। वाटर मीटर का पर्पज़ यही होता है कि हमारी जो डोमेस्टिक वाटर सप्लाई है, कितना पानी हम यूटिलाइज करते हैं उसको मेज़र करना, राइट। द वाटर मीटर इज डिवाइस टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ फ्लोइंग वाटर। वाटर मीटर इज डिवाइस यूज्ड टू मेजर क्वांटिटी ऑफ वाटर, ओके। तो जनरली हमारे दो तरह के होते हैं, एक डिस्प्लेसमेंट टाइप होता है, जिसे हम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मीटर भी कहते हैं, और दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी टाइप,
टाइप, इसको हम इन्फरेंशियल मीटर भी कहते हैं, इन्फरेंशियल मीटर। जो डिस्प्लेसमेंट टाइप होता है इसमें हम वॉल्यूम कितना पानी हमारा यहाँ से एक जगह से इस वाटर मीटर के थ्रू पाइप पास होता है वो हम मेजर करते हैं। यहाँ पे हमारा पाइप होता है और यहाँ पे बीच में हमने यहाँ पे वाटर मीटर फिक्स किया हुआ है। वाटर मीटर के अंदर एक मेजरमेंट यूनिट होती है एन नंबर ऑफ वॉल्यूम्स जैसे कहते हैं, जिसका एक लीटर का यहाँ पे मेजरमेंट है, राइट। तो यहाँ से यहाँ पे कितने लीटर ऑफ पानी जाता है तो वो एन नंबर हमें प्रोवाइड कराता है। इस टाइप के मीटर को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइप ऑफ मीटर कहते हैं। वेलोसिटी टाइप ऑफ मीटर में हम डिस्चार्ज को मेजर करते हैं, राइट। यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर किया जाता है, राइट। जैसे ये हमारा पाइप है, यहाँ पे हमने वाटर मेन लगाया, यहाँ पे फ्लोइंग वाटर का क्रॉस सेक्शन हमारा क्या होता है, फिक्स होता है। और यहाँ पे हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लो को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जब वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर कर लिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता है, इससे हम टोटल डिस्चार्ज हमारा कितना होगा ये हम फाइंड आउट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम क्या मेजर करते हैं, वेलोसिटी ऑफ फ्लो को और डिस्चार्ज को, और यहाँ पे हम मेजर करते हैं वॉल्यूम को। इस तरह के हमारे दो वाटर मीटर होते हैं जो हम जनरली यूज करते हैं। ये जो होता है वो हमारा इंडस्ट्रियल सप्लाई में यूज जनरली ज़्यादा होता है, और ये हम डोमेस्टिक वाटर में ज़्यादा यूज करते हैं और रेजिडेंशियल हाउस में यूज करते हैं। इसे हम इंडस्ट्रियल यूज में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लीटर्स में पानी को नहीं मेजर कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एक पॉइंट पे हम प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली वेलोसिटी ऑफ फ्लो को मेजर करते हैं, उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं और टाइम को ऐड कर मल्टीप्लाई करते हैं। इससे हमारा टोटल वाटर कितना सप्लाई किया ये पता चल जाता है, ओके। तो ये हो गया हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कन्वीनियंस हम जो प्रोवाइड कराते हैं सोर्स से लेके हमारी सप्लाई सिस्टम तक। अब अगले में हम देखेंगे कि पूरे सिस्टम में जो पानी होता है उसकी वाटर क्वालिटी कितनी होनी चाहिए, उसका पैरामीटर क्या है और उसके ट्रीटमेंट हम किस तरह से करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज तक इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।